Now, today we are talking about the fourth lecture of class 10th science chapter first. Last topic, basta iske andar hamara effects of oxidation reaction in everyday life. Yani jo hamari daily life hai uske andar oxidation jo reactions hoti hai na uske effect kya hote hain. Kyunki humne last time jo topic padha tha redox reactions ka. Redox reaction kya hoti hai? Combination of two different word red plus ox. The meaning of red is reduction. The meaning of ox is oxidation. तो हमने पढ़ा था रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में. तो हम अब बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ. जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं ना वो हमारी मेटल्स के ऊपर भी और हमारे फूड के ऊपर भी दोनों के ऊपर इफेक्ट डालते हैं. दे हैव द हार्मफुल इफेक्ट्स. दे हैव द हार्मफुल इफेक्ट्स मेटल्स एज वेल एज फूड. हार्मफुल इफेक्ट होते हैं हमें इनके मेटल के ऊपर भी और साथ साथ के ऊपर भी होते हैं फूड के ऊपर. मेटल एज वेल एज फूड किसके हार्मफुल इफेक्ट होते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के. ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इफेक्ट ऑन बोथ मेटल्स एज वेल एज फूड. हार्मफुल इफेक्ट कौन से हैं? फर्स्ट वन इफेक्ट इज नोन एज द कोरोजन. कोरोजन ऑफ मेटल्स. And second one harmful effect is the rancidity. Rancidity of food. भोजन का खराब हो जाना. Rancidity of food. पहले बात करते हैं हम corrosion of metal. Corrosion process की. किसकी बात करते हैं भाई? Corrosion process. Corrosion process क्या होती है? एक ऐसी process जिसके अंदर metal धीरे धीरे खत्म हो जाती है हवा और पानी के द्वारा, moisture के द्वारा या acids के द्वारा. कहिए ना वो क्या कहलाती है? कोरिजन. यानी इट इज ए स्लोली धीरे धीरे इट इज ए स्लोली ईटिंग प्रोसेस ऑफ ए मेटल बाय एयर एंड वाटर. बाय एयर एंड वाटर यानी हवा और पानी के द्वारा धीरे धीरे. इट इज ए स्लोली ईटिंग प्रोसेस. इट इज ए स्लोली ईटिंग प्रोसेस ऑफ ए मेटल बाय एयर वाटर और मॉइस्चर और बाय द एसिड्स नोन एज द कोरिजन प्रोसेस. किसी मेटल का धीरे धीरे खत्म हो जाना हवा पानी के द्वारा क्या कहलाता है? कोरिजन. सिंपल सी बात है. यानी इट इज ए स्लोली ईटिंग प्रोसेस ऑफ ए मेटल बाई एयर एंड वाटर और बाई मॉइस्चर और बाई द एसिड्स ऑन द सर्फेस ऑफ मेटल इज नोन एज अ कोरिजन. और कोरिजन का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है भाई? रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन लोहे को जंग लगना. रस्टिंग ऑफ आयरन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोरिजन प्रोसेस. दोबारा ध्यान दें कोरिजन प्रोसेस. It is a slowly eating process of metal by air, water or moisture or by the acids on the surface of metal. On the surface of metal is known as a corrosion process. किसी metal का धीरे धीरे खत्म हो जाना हवा पानी के द्वारा क्या कहलाता है? Corrosion process कहलाता है. जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन लोहे को जंग लगना. अब लोहे को जंग कैसे लगता है भाई? हमारे पास लोहे का सिंबल कहता है Fe is a symbol of iron. प्रेजेंस किसकी होती है? ऑक्सीजन प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स और ये कितने होते हैं? एक्स. कितने भी हो सकते हैं क्योंकि इन द रस्ट के अंदर दो भी तीन भी चार भी इसको डाउन करते हैं एक्स. एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स और ये क्या बनाते हैं? रस्ट बनाते हैं. Fe2O3.XH2O. Fe2O3.XH2O. दो से मटेरियल दो दूनी चार चार तीन दूनी छः छः दो आठ आठ है. इसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं भाई? ऑक्सीजन को. फिर तीन से तीन दुनी छः छः और दो आठ दो दुनी चार दो दुनी चार बैलेंस नाउ. इट इज़ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन. तो ये हमारी रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जांपल है. और ये क्या है आपका? रस्ट है. ये क्या हमारा? रस्ट है. यानी Fe2O3.XH2O. और इसका केमिकल नेम क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड. और H2 होते क्या है? हाइड्रेटेड है. तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड क्या है हमारा? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है. Fe2O3.XH2O. यानी किसका फॉर्मूला हमारा? रस्ट का फॉर्मूला है. इट इज़ अ फॉर्मूला ऑफ रस्ट. रस्ट का फॉर्मूला ये हमारा. It is the formula of rust. Fe2O3.XH2O. Just a moment.
तो किसकी बात कर रहे थे, कोरिजन का एग्जाम्पल था हमारा क्या था, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एग्जाम्पल ऑफ कोरिजन। इसमें क्या होता है, हमारे पास Fe आयरन होता है प्लस ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आएगा विद वाटर मॉलिक्यूल्स, क्या बनाएगा Fe2O3.XH2O, Fe2O3.XH2O, जिसका केमिकल नेम क्या है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड या हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। क्लियर, ये किसका फॉर्मूला हमारा रस्ट का, किसका फॉर्मूला भाई, ये रस्ट जंग का, रस्ट का फॉर्मूला, इट इज अ फॉर्मूला ऑफ रस्ट। फिर बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन, यानी प्रिवेंशंस ऑफ कोरोजन प्रोसेस, यानी कोरोजन प्रोसेस को रोकने के मेथड क्या है, प्रिवेंशंस। प्रिवेंशन का मतलब है उपाय, यानी हाउ कैन यू प्रिवेंट द कोरोजन प्रोसेस, भाई आप किसी मेटल को जंग लगने से बचाने के तरीके के क्या होते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है, बाय यूजिंग एंटी रस्ट सोल्यूशन। एंटी का मतलब क्या था, अपोजिट, रस्ट का मतलब जंग लगना और एंटी रस्ट का मतलब जिसको जंग ना लगे, तो ऐसे सोल्यूशन का यूज करना जिनको जंग ना लगे, तो बाय यूजिंग द एंटी रस्ट सोल्यूशंस। दूसरा मेथड क्या होता है भाई, बाय गैल्वनाइजेशन प्रोसेस, यानी गैल्वनाइजेशन है एक मेटल के ऊपर किसी दूसरी मेटल का लेप लगाना, एक मेटल को कवर कर दिया जाए किसी दूसरी मेटल के द्वारा ताकि उस मेटल को जंग ना लगे, तो बाय द यूज ऑफ गैल्वनाइजेशन प्रोसेस वी कैन आल्सो प्रिवेंट द कोरिजन, कोरिजन को हम दूर कर सकते हैं। थर्ड वन होता है बाय बैरियर प्रोटेक्शन मेथड। अब ये मेथड क्या होता है, बैरियर का मतलब क्या होता है, बाधा डालना, बीच में किसी की रुकावट डाल दें। मान लिया अगर हमारे पास आयरन है, आयरन को जंग लगता है, आयरन के साथ में किसी ऐसी मेटल को जोड़ दिया जाए जो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन से पहले उसको जंग लगेगा और उससे क्या होगा, आयरन बच जाएगी जंग लगने से, उसको बोलते हैं बाय बैरियर प्रोटेक्शन। क्या होता है, हमारी कंट्री में जो पाइपलाइनें हैं ना, ऑयल की जो पाइपलाइनें हैं जिसमें पाइप जुड़े हुए हैं आपस में और बड़ी बड़ी पाइपलाइनें हैं, उन पाइपलाइनों में क्या कर रहा है, थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर मैग्नीशियम मेटल को जोड़ रखा, और वो मैग्नीशियम मेटल उस पाइप्स को जंग लगने से बचाती है, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होती है, तो मैग्नीशियम मेटल को जंग पहले लगेगा जिससे आयरन को जंग नहीं लगेगा, उसको मेथड बोलते हैं बाय बैरियर प्रोटेक्शन मेथड। और क्या है भाई, बाय यूजिंग ऑयल का यूज करके या ग्रीस वगैरह का यूज करके या बाय यूजिंग पेंट का यूज करके, इनका ऑयल ग्रीस पेंट इनका हम भी यूज करके क्या करते हैं, हम कोरिजन को रोक सकते हैं। तो काफ़ी मेथड हो गए हमारे, पहला क्या था बाय यूजिंग एंटी रस्ट सोल्यूशन, ऐसे सोल्यूशन जिनको जंग ना लगे तो बाय यूजिंग एंटी रस्ट सोल्यूशन के द्वारा। दूसरा मेथड बाय गैल्वनाइजेशन प्रोसेस, जिसमें एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल का क्या करते हैं, लेप लगाते हैं। बाय बैरियर प्रोटेक्शन मेथड, बैरियर लगा के जिससे लोहे के पाइप के साथ में क्या लगाते हैं, मैग्नीशियम मेटल होती है जिससे मैग्नीशियम मेटल को जंग लग जाता है लेकिन लोहे के पाइप बच जाते हैं, आयरन बच जाता है। नेक्स्ट था बाय यूजिंग ऑयल ग्रीस पेंट, ऑयल का यूज करके, ग्रीस का यूज करके, पेंट वगैरह का यूज करके, इससे भी हम कोरिजन को रोक सकते हैं। दीज आर द मेथड्स टू प्रिवेंट द कोरिजन प्रोसेस। नेक्स्ट वन, सेकेंड जो था हमारा ऑक्सीडेशन का इफेक्ट, वो क्या था, रेंसिडिटी ऑफ फूड। यानी क्या होता है, रेंसिडिटी फूड के अंदर क्या होती है, इस प्रोसेस का नाम होता है एरियल ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं इसको, एरियल ऑक्सीडेशन प्रोसेस। क्या होती है भैया हमारी, एरियल ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है। और हिंदी में इसको बोलते हैं विकृत गंधिता, आपकी रेंसिडिटी होती है ना, हिंदी में इसको बोलते हैं विकृत गंधिता बोलते हैं। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा ब्रेड वगैरह के अंदर या रोटियों के अंदर हम फुंदी लग जाती है, फुंदी, वाइट कलर की फुंदी लग जाती है, जो हमारा है ना, जिस खाने के अंदर, जिस फूड के अंदर ऑयल ज़्यादा हो, फैट ज़्यादा हो, जैसे पकोड़े वगैरह होते हैं, समोसे वगैरह होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, ऑयल और फैट ज़्यादा मात्रा में होता है, और इनके अंदर है ना थोड़े दिनों के बाद, विद इन द 1 or 2 days या 2 or 3 days के बाद, इनके अंदर क्या होती है, वाइट कलर की है ना फुंदी लग जाती है, सफ़ेद कलर की फुंदी, उसको बोलते हैं रेंसिडिटी या विकृत गंधिता, यानी जिससे कोई खाना खाने लायक ना रहे, जिससे कोई खाना खाने लायक ना रहे, क्या कहलाती है वो, रेंसिडिटी ऑफ फूड। यानी इट इज़ अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच ए फूड इज नॉट फिट फॉर ईटन, इट इज़ अ प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया
इट इज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच जिसके दौरान ए फूड इज नॉट फिट फॉर ईटर, जिससे कोई खाना खाने योग्य ना रहे, क्या कहलाती है वो हमारी रेंसिडिटी कहलाती है, विकृत गंधिता कहलाती है। और इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, एरियल ऑक्सीडेशन, एरियल ऑक्सीडेशन, यानी इट इज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच ए फूड इज नॉट फिट फॉर ईटन, एक ऐसी प्रोसेस जिसके दौरान कोई खाना खाने योग्य ना रहे, क्या कहलाते हैं हमारी रेंसिडिटी, चलिए ना। अब प्रिवेंशंस क्या होते हैं रेंसिडिटी को भी रोकने के कई मेथड होते हैं, प्रिवेंशंस ऑफ रेंसिडिटी, रेंसिडिटी को रोकने के मेथड, प्रिवेंशंस ऑफ रेंसिडिटी, ताकि वो तरीके जिसके द्वारा हम खाने को खराब होने से बचा सकें। पहला तो कहता है बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, नाम से ही हो रहा है एंटी, एंटी का मतलब उल्टा, जो ऑक्सीडेशन को रोक दे, अगर ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो खाना खराब नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अगर खाने के अंदर एरियल ऑक्सीडेशन प्रोसेस रुक जाएगी तो सिंपल सी बात है खाना खराब होने से बच जाएगा, तो बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट। अब एंटीऑक्सीडेंट होते क्या है, एंटीऑक्सीडेंट केमिकल सब्सटेंस होते हैं, दीज आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच प्रिवेंट द रेंसिडिटी, जो रेंसिडिटी को रोक देते हैं, दीज आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच प्रिवेंट द रेंसिडिटी आर नोन एज द एंटीऑक्सीडेंट। दो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, BHA क्या होता है, ब्यूटेलाइटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल, दूसरा क्या होता है BHT, ब्यूटेलाइटेड हाइड्रोक्सी टोलविन, तो दो हमारे पास BHA एंड BHT, BHA क्या होता है ब्यूटेलाइटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल, दूसरा होता है ब्यूटेलाइटेड हाइड्रोक्सी टोलविन, BHA एंड BHT। कई बार एग्जाम के अंदर इनकी फुल फॉर्म पूछ देते हैं एंटीऑक्सीडेंट, तो पहला मेथड क्या है रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने का, बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, दीज आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच प्रिवेंट द रेंसिडिटी प्रोसेस आर नोन एज एंटीऑक्सीडेंट, दो होते हैं BHA एंड BHT, BHA क्या है ब्यूटेलाइटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल, BHT क्या है ब्यूटेलाइटेड हाइड्रोक्सी टोलविन, दिस इज द फर्स्ट मेथड थ्रू विच वी कैन प्रिवेंट द रेंसिडिटी प्रोसेस। नाउ सेकंड वन मेथड बाय यूजिंग नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस का यूज करके भी, जैसे आपने देखा होगा आजकल जंक फूड जो आते हैं, लेज हैं, कुरकुरे हैं, चिप्स वगैरह हैं, जो भी चीज़ आती है ना, इन चीज़ों के अंदर पैकिंग में एक गैस का यूज होता है, और वो गैस कौन सी होती है, नाइट्रोजन। कई बार क्वेश्चन ये भी आता है वाई नाइट्रोजन गैस इज यूज इन टू द पैकिंग ऑफ जंक फूड्स, रीजन होता है बिकॉज ये कैसी गैस है हमारी अनरिएक्टिव गैस, कैसी गैस है भैया अनरिएक्टिव गैस, जो रिएक्ट नहीं करती, दैट्स वाई इट इज यूज इन टू द पैकिंग ऑफ जंक फूड लाइक लेज कुरकुरे अदर चिप्स वगैरह जो भी आते हैं आपके, तो नाइट्रोजन गैस का यूज करके हम रेंसिडिटी प्रोसेस को रोक सकते हैं, सेकेंड मेथड था। थर्ड मेथड बाय यूजिंग रेफ्रिजरेटर का यूज करके, ठीक है ना, रेफ्रिजरेटर का यूज करते हैं ना, या आइस फैक्ट्री के अंदर स्टोर करके, जिसको बोलते हैं आइस फैक्ट्री के अंदर स्टोर वगैरह करके खाद्यान्न को स्टोर करते हैं ना आइस फैक्ट्रीज के अंदर, उस प्रकार से, तो बाय यूजिंग द रेफ्रिजरेटरी आइस फैक्ट्री वगैरह यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, किसको रोक सकते हैं भाई, रेंसिडिटी प्रोसेस को। फोर्थ मेथड बाय यूजिंग एयर टाइट कंटेनर का यूज करके यानी ऐसे कंटेनर होने चाहिए जिनमें हवा पास ना हो, तो अगर हवा पास नहीं होगी तो भोजन खराब नहीं होगा, तो दैट मीन्स बाय यूजिंग द एयर टाइट कंटेनर का यूज करके भी हम रेंसिडिटी प्रोसेस को रोक सकते हैं। नेक्स्ट वन मेथड भाई कीपिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर भाई, कीपिंग फूड भोजन को रख के अवे फ्रॉम, दूर कहाँ से, लाइट से एंड मॉइस्चर से, कीपिंग अवे फूड, फूड को दूर रखना कहाँ से भाई, लाइट एंड मॉइस्चर से, उससे भी हम क्या कर सकते हैं भोजन को खराब होने से बचा सकते हैं। या बाय यूजिंग द CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ड्यूरिंग आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह के अंदर, सॉफ्ट ड्रिंक्स
सॉफ्ट ड्रिंक्स, या इनको बोलते हैं कार्बोनेटेड बेवरेजेस, कार्बोनेटेड बेवरेजेस, कार्बोनेटेड बेवरेजेस, यानी इन चीज़ों के अंदर है ना, जो सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह, जो हमारी कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है पीने की, इनके अंदर कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वाइन बियर जो होती है इनके अंदर कौन सी गैस होती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर, और वो भी उनको खराब होने से करती है, बचाती है। तो दीज आर द मेथड्स टू प्रिवेंट द रेंसिटी प्रोसेस। नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड, फिनिश्ड। थैंक यू।